गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट पंजाबी। बेटा अज आप शोभा शक्ति नाटक का तीजा पार्ट जो अपना रहता है तीजा दिन स्टार्ट किया होया है वो कर रहे हैं। बेटा अपने पहला तीजे नाटक विच की पढ़िया सी कि शोभा है वो अपने पुत्र नाल रहती है, उसे पुत्र का विआह हो चुका है। कंवल है उसे पुत्र का नाम, उसकी पत्नी का नाम रेखा है। अगे की है बेटा, जो सतीश उन्हां दी लड़ाई का फैसला करता है तो उस तो बाद की हुंदा है, शोभा नूं संबोधन करदे होए सतीश कहिंदा है जदों पिता ने उसे अधिकार खोने चाहे फिर पति रमेश ने उस नाल धक्का किया तो उसने डट के उसका साथ दिता, पर इस घरोगी झगड़े विच उस नूं कसूरवार ठहराउंदा है। शोभा उसका विरोध करती हुई रोन लग पैंदी है। सतीश उस नूं समझाउंदा है, वह अपने समय विच भावें किन्नी प्रगतिशील सी पर हुण पिछे रह गई है। किसी समय आप मानती सी कि स्वतंत्रता मनुख लई पुराना समान है, पर वह खुल अपने नूं पुत्र नूं देण लई तैयार नहीं है। इस तों बाद सतीश शोभा नूं कसूरवार दसदे होए की कहिंदा है, कहिंदा जदों उसके पिता ने उसके अधिकार खोने चाहे उसके पति ने उसनूं अपने अंडर रखना चाहिया तो उसने उस झगड़े का सामना किया। उस समय उसने कहा सी कि स्वतंत्रता सब लिए जरूरी है, स्वतंत्रता प्राणा वांग है, प्राणा मतलब सहा समान है, परंतु वह खुद तो भालदी सी परंतु अपने नूं पुत्र नूं स्वतंत्रता देने लिए राजी नहीं, सगों आर्थिक धमकी देने लिए करती है। उसने एक होर गलती की कीती है, उसने एक सधारण घरोगी झगड़े के मनोविज्ञानिक आर्थिक ते समाजिक पक्ष नहीं समझे। आर्थिक तौर पर अजे भी उसके अधीन है जिस करके वह काफ़ी हद तक वधीकी सहते भी रहे हैं। रेखा ने ठीक उसनू योग सत्कार नहीं दिता, कंवल भी उसनू समझन तो समर्थ रहा है। उस स्वतंत्रता के सांचे भी ढली हुई है, श्रेय स्वैमान ते आजादी लिए उसने दृढ़ता सूल ते सास नाल घोल किया है, पर इस समय उसने टपला खादा है। उसनू उन्हां दी खुशी विचों अपनी खुशी देखनी चाहीदी है। इस वेले रमेश भी उत्थे आ जाता है, वह भी सतीश दीआं गल्लां नाल सहमति प्रगट करता है। शोभा समझ लैंदी है कि उसने अपने पुत्र नूं अपना संसार समझ के भुल कीती है। शोभा लास्ट आके की समझ लेंदी है कि आप अपने धियां पुत्रां नूं अपना सब कुछ समझ लेंदे हाँ, ये अपने जीवन की सब तो वड्डी गलती हुंदी है। अपने पुत्र नूं संसार समझ के कहिंदी मैं सब तो वड्डी भुल कीती है, वह घर छड्डन लई तैयार हो जाती है। सतीश कंवल ते रमेश उसके दुआले इकट्ठे हो जाते हैं। सतीश शोभा नूं अपना घर छड्डन लई कहिंदा है पर वह नहीं अपने घर चलन लई कहिंदा है पर वह नहीं मानती। रमेश भी उसनूं पिछली भुल माफ करके अपने घर चलन लिए कहता है। शोभा उसनू कहती है टुटा दिल जुड़ना मुश्किल है, जेकर हो सकता है तो कंवल की आर्थिक सहायता करे। वह कहती है कि वह अपने काम के सिर पर स्कूल विच रहेगी जिथे वह अपना फर्ज चंगी तरह निभा सके। कंवल उसनू कहता है वह अगे तो उसके हुक्म अनुसार चलन का यतन करे पर वह घरों ना जाए। शोभा कहती है वह गुस्से नाल नहीं जा रही, वह नहीं चाहती कि वह निगुने घरोगी झगड़िया विच अपना समा ते शक्ति नष्ट करे क्योंकि देश के बहुत वड्डे काम उसकी उड़ीक कर रहे हैं। रेखा भी उस तो माफ़ी मांगती है। कंवल उसनों शाम ते प्रीति भोज तो मगरों जाने कहता है, पर शोभा कहती है इस वेले तो रुक नहीं सकती, वो शाम नू जरूर आ जाएगी। वो लीला नू कंवल कोल रहन लई कहती है ता जो उसके अगे होने वाले बच्चे नू पाल सके। इस समय सतीश इस्त्री नू संसार की शोभा ते शक्ति कहता है, रमेश सुंदरता ते संचालक शक्ति। रेखा ते कंवल शोभा दे पैरी हाथ लाउंदे हन, सब दियां अखां भर जांदियां हन। शोभा कहिंदी है कि वह देश दे मनुख जाति दा निर्माण सेवा लई आधुनिक युग दे सन्यास आश्रम विच खुशी नाल प्रवेश कर रही है। सतीश ते स्कूल दियां माइयां समान चुक के शोभा दे मगर तुर पैंदे हन। रमेश कमल रेखा ते लीला अखां भरी खड़े रहिंदे हन। बेटा की हुंदा लास्ट ते जदों शोभा रमेश ते कंवल ते लीला उसनू रोकन दा जतन करते हैं परंतु वह नहीं रुकती। सतीश उसनू अपने घर चलन लई कहिंदा है परंतु वह नहीं मानती। इस तो बाद बेटा की है वो रमेश उसनू अपने नाल पिछली भुल माफ करके अपने नाल चलन लई कहिंदा है परंतु फिर भी वह कहिंदी नहीं टुटा दिल जुड़ना मुश्किल है। वह की कहिंदी, कहिंदी जेकर हो सकता है तो कमल की आर्थिक इकनोमिकल तौर पर सहायता करे। वह कहती है मैं किते नहीं जावांगी, मैं अपने स्कूल विच रहांगी जिथे मैं अपने काम के सिर पर अपने फर्ज चंगी तरह निभा सकांगी। कंवल उसनू कहता है कि उसे अगे तो कहता मैं तेरे हुक्म के अनुसार ही चलन का यतन करांगे, वह घरों ना जावे। शोभा कहती है वह गुस्से नाल नहीं जा रही,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਮਲ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਕਮਲ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤੇ ਰਮੇਸ਼, ਕਮਲ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਲੀਲਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।